नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक लेके आया हूँ बहुत ही गुणकारी और फ़ायदेमंद, जो कि आप नॉर्मल चीज़ है, सभी लोग इसे जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी इसके बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो वैसे बहुत लोग हैं जो जानते हैं और इसका यूज कर रहे हैं, बट बहुत लोग हैं अभी उन्हें नहीं पता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज का मैंने एक फल के बारे में बताना है जिसका नाम है केला। और आपको एक चीज़ बता दूं कि ये कहावत है कि एक सेब जो रोज़ खाता है वो डॉक्टर के पास दूर नहीं जा पा जाता, यानी डॉक्टर से दूर रहता है। बट केला, अगर केले को देखा जाए तो केला उससे भी गुणकारी है, और केला उस सेब को पछाड़ करके आगे आ चुका है। और केले में अगर हम बात करें तो बहुत सारा आप केला देख सकते हैं यहाँ पर, तो केले में सेब से ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं और वो प्रचुर मात्रा में इसमें फास्फोरस भी होता है, तो कैल्शियम पोटेशियम सब ज़्यादा होते हैं, विटामिन ए भी होता है, विटामिन सिक्स भी होता है, तो इसलिए केला इससे ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि आज की डेट में जो कैल्शियम की कमी तो लोग पूरा कर ले रहे हैं लेकिन पोटेशियम की नहीं करते हैं, जबकि पोटेशियम की वजह से हड्डी मजबूत रहती है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ लगभग। तो हम लोगों को क्या चाहिए, केले में जो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज, कॉपर, आयरन, फास्फोरस और सल्फर, जिंक आदि तत्व, इसमें सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, ऑक्जैलिक एसिड आदि तत्व होते हैं केले में। तो केला हमारे लिए सेब से भी बहुत गुणकारी है, तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि रोज़ एक या दो केला खा करके हम बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं या हष्ट पुष्ट बने रह सकते हैं। सबसे बड़ी आज की बात है कि अगर हम देखें विद्यार्थी जीवन की बात करें तो कुछ विद्यार्थी तो आप देख रहे होंगे कि आजकल मोटे हो जा रहे हैं और कुछ लोग हल्के रह रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सी फ़ोन आते हैं कि शरीर को स्फूर्ति नहीं है और ताकतवर बनाने के लिए या उसे फुर्तीला बनाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए कोई नुस्खे बताइए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें कि केला इसमें बहुत ही रामबाण काम करता है। और इसमें इसके उसके बारे में बताऊँगा, इससे पहले कुछ बता दूँ कि इसमें हम लोग ये देखिएगा कि केले को हम कभी भी फ्रिज में ना रखें, रेफ्रिजरेटर में ना रखें। और केला ऑलरेडी पहले ही आजकल केमिकल से पकाया जा रहा है, अगर पेड़ का पका मिल जाए तो बहुत ही फ़ायदा है, फिर तो कहना ही क्या। और इसी तरीके से मच्छर के काटने पर भी इसके छिलके को हम यूज कर सकते हैं, केले को रगड़ दें तो उसमें जो जलन होती है वो नहीं होता है। और जो केला हमारे मन और शरीर को ठंडक तो प्रदान करता ही करता है साथ में, और इसको इसीलिए हमें ये खाना चाहिए। और शिशु को भी, जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको भी केला दे तो शांत प्रिय बने रहेंगे। और इसकी अकेले ही देखा जाए तो मतलब हमारे पे भारतवर्ष में या क्या पूरे विश्व में इसकी 500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं मैं बता दूँ, इससे पहले आपको बता दूँ कि स्फूर्ति और शक्तिदायक केला इसे क्यों कहा जाता है। स्फूर्ति मैंने बोला था कि बच्चों में बना रहे, एनर्जी बनी रहे, तो इसमें सुक्रोज, फ्रैक्टोज और ग्लूकोज जो तीनों हमारी शर्कराएँ होती हैं इसमें भरपूर मात्रा में होती हैं, और ये तुरंत हमको शक्ति देता है। इसलिए जो ग्लूकोज होता है आपको पता ही, तुरंत शक्ति देता है, सुक्रोज फ्रक्टोज भी। तो ये बच्चे जब आपके स्कूल से शाम को थके हारे आते हैं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक पहुंचते हैं, तो उस समय उनको प्रतिदिन एक केला दीजिए। उससे एक तो उनके जो दोपहर में जो एनर्जी लॉस वगैरह हो जाती है उसके लिए एनर्जी तुरंत मिलेगी, और दूसरा पौष्टिकता रहेगा उसमें, क्योंकि पेट खाली रहता है, क्योंकि स्कूल में वो लंच अपना कर लेते हैं 11 बजे, उसके बाद 4-5 बजे तक खाली रहता है। तो उस समय एक केला दे सकते हैं बच्चों को। साइज देख लीजिएगा केला, छोटा बड़ा अपने हिसाब से दीजिएगा। ये कोई वो नहीं है कि पूरा केला खाना है, जितना खा सके आदमी, यानी जितना बच्चा खा सकता है। तो इसीलिए, और ये मैंने बोला कि बच्चों को बुद्धिमान बनाता है, तो क्यों बनाता है, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन और सीरोटोनिन और इफेनोफ्रिन होते हैं, जो कि हमारे शरीर को तनाव मुक्त रखते हैं और बुद्धि को बढ़ाने में सहायक होते हैं, तो इसलिए आप इसको दे सकते हैं। और इसमें विटामिन B6 भी भरपूर होता है, तो केला खाने के लिए इनको दें। और इसकी सब्जी भी वीकली या मंथली कम से कम वीकली एक बार बना लें तो बहुत बढ़िया है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें जो सोडियम होता है वो नगण्य होता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसमें इससे ज़्यादातर पोटेशियम होता है। इसीलिए अगर इसको हम जो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं उनको भी दें तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी, और मतलब सही रहेगा, और उनके लिए ब्लड की जो प्रॉब्लम है हाई BP की वो भी कम होती रहेगी। और इसमें फाइबर्स होते हैं आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग बोला जाता है कि फाइबर्स दिए जाते हैं जिससे कि हमारे हार्ट अटैक के, स्ट्रोक वगैरह कम होते हैं या ना होने की संभावना रहती है, तो उसमें ये बहुत ही पौष्टिकता है। इस तरीके से आपको पहले भी जैसे ज्ञात होगा कि केला हमारे यहाँ कभी किसी को पेचिस हो जाता है या दस्त लगते हैं तो उसमें केला दिया जाता है, तो इसमें केले को दही में मिला के देना अगर उसे पेचिस है तो भी, पेचिस मतलब संग्रहणी, जब आव आना, खून आना या चिकनापन आता है तो उसे पेचिस बोला जाता है या संग्रहणी, तो उसमें केले को दही में मिला के खाना चाहिए। और इस तरीके से लूज मोशन हो रहे हैं तो भी मट्ठे के साथ या दही के साथ इसको खिला दें तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है, और तुरंत उनका लूज मोशन में इम्पैक्ट पड़ता है, रुकता है।
और ऐसी आंखों की ज्योति के लिए हम बोल सकते हैं कि जैसे आंख की रोशनी को बढ़ाना चाहता है या वृद्धावस्था में दृष्टि दोष जाते हैं तो उसको केला दूर करता है। तो इसलिए बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक सबको प्रतिदिन एक या दो केला जितना संभव हो खाना चाहिए, क्योंकि यह फल के साथ साथ एक ऐसा फल है कि जो कि पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और हर स्टेट में होता है और इसमें सारे मिनरल्स लगभग लगभग होते हैं। तो इसे हम सदाबहार और पौष्टिक फल बोल सकते हैं, जो कि इजली है और सस्ता भी है सब फलों में देखा जाए तो इसलिए इसको बच्चे से लेकर के 6 महीने का बच्चा उससे लेकर के बुढ़ापे तक मरने तक आदमी इसका यूज करे तो बहुत सी बीमारी से बचा रह सकता है, कैंसर को भी रोकता है, HIV को भी रोकने में मदद करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसका फायदा ये है कि ये पौष्टिकता से भरपूर होता है, बच्चों को पहलवान बनाता है, मतलब शरीर की अंदरूनी शक्ति को बढ़ाएगा, बाह्य शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए पहलवान लोग या जो भी जिम में जाते हैं उन लोगों को केला खाने की सलाह दी जाती है कि उन्हें क्विक एनर्जी मिले और तुरंत मिल जाती है एनर्जी। और इसी तरीके से हम देखा जाए तो जैसे आग उग भी जल गया कभी बच्चे का या कोई भी जल जाता है घर में कुछ नहीं, तो इसका केले का गूदा लगा दीजिएगा तो और उसे बांध दीजिएगा तो उससे जलन भी शांत हो जाती है। और यहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है किसी से मैं मिला था तो उन्होंने यहाँ मुझे बताया था कि जो केले के पेड़ के फूल होते हैं तो इसको ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर उसका ब्लड जो केले के फूल है उसको कूच करके हम उसका सत निकाल के रख लें, या केले का साथ हो सकता है बाजार में मिलता है, तो उसे अगर एक चुटकी खा लिया जाए तो ये बहुत ही अचूक दवा है, उससे शुगर की बीमारी भी ठीक हो जाती है। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि केले के तने की सब्जी भी बनाई जाती है, जो कच्चे केले तने होते हैं जिसके अंदर छक्कल ऊपर को उतारते जाएंगे तो बीच में उसमें बहुत सारे फाइबर्स और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, इससे जो कि हमने खा रखा है। इसके फूल की भी सब्जी बनती है, उसको उबाल करके पानी फेंक दिया जाता है, थोड़ा कड़वा लगता है, अंदर का जो सफ़ेद थोड़ा सा बचता है उसका ही बनता है। तो बंगाल साइड के जो लोग हैं वो जानते हैं बनाना और बनाते हैं, लेकिन मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि आप सब्जी खाइए, लेकिन केला ज़रूर खाइएगा, एक या दो केले ज़रूर खिलाइएगा, बच्चों खिलाइएगा। और मेरा एक इसमें अपना खुद का प्रैक्टिकल है कि अगर किसी के कमर में या जोड़ों में या टांगों में किसी बच्चे के बहुत दर्द हो रहा है और कैल्शियम की कमी, तो आपको पता ही है कि आजकल हर 10 में से 2-3 लोगों को कैल्शियम कमी निकलती है अगर आप ब्लड चेक करा जाए, तो इसके लिए हमने क्या उपाय सोचा है। जैसे कैल्शियम की कमी है, केला तो पूरा करेगा, साथ में इसमें एक और उपाय, अगर पीलिया भी हो रहा है तो मैंने एक वीडियो में बताया था, केले को आप काट लीजिएगा और केले को बीच में से काटना है, ये काट लिया आपने देखिए केले को इस तरीके से काट लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा चूना डालना है, ये चूना जो तम्बाकू या पान में खाया जाता है वही है। इसमें कितना चूना लेना है मैं बता देता हूँ, इतना आप चूना ले सकते हैं, ज़्यादा चूना लेने की जरूरत भी नहीं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ले सकते हैं, बाकी इतना चूना ले लें और इसमें लगा दें। मैंने आपको दिखाया कि ये थोड़ा सा चूना लगा सकते हैं, गेहूँ सरसों के दाने से लेकर गेहूँ के दाने के बराबर तक लगा सकते हैं और इसे 1-2 मिनट छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद ये आप 5 साल से लेकर के किसी भी बुजुर्ग महिला या बच्चे या जिसे भी चाहे आप दे सकते हैं पुरुष को। इसमें खास बात ये है कि जितनी भी आपके यहाँ कमर दर्द या जोड़ों के दर्द हो रहे हैं या उसमें पैरों का दर्द हो जाता है कैल्शियम कमी की वजह से, तो उसमें बहुत ही राहत करता है, साथ में पीलिया में भी काम करता है। इस तरीके से आपको बेनिफिट होगा और आप देख सकते हैं। और मेरा आज बृहस्पतिवार है नहीं तो मैं आपको खा के दिखा लेता, कि बृहस्पतिवार को मैं केला नहीं खाता हूँ, इस वजह से इसे मैं आपको खा के नहीं दिखा पाऊँगा इस समय। तो इस तरीके से आपने देखा कि केले का फ़ायदा है, और केले की कई प्रजातियाँ थी जैसे मैंने आपको 500 प्रजाति बताई थी, इसमें से कुछ विलुप्त होती जा रही है। और एक अभी हमारे दोस्त है तो महाराष्ट्र साइड से, वो बॉम्बे साइड से एक नया केला लाए थे जो कि 1.5 फीट लंबा होता है, जिसके बारे में शायद ही सुना जा रहा है कि ख़त्म होती जा रही है प्रजाति, तो मैंने लगाया। और आप लोगों की अगर जगह भी हो तो आप लगा सकते हैं। और इसीलिए देखा होगा कि हिंदू धर्म में हर बृहस्पतिवार को केले की पूजा करी जाती है और पहले से ही लोग उसका पूजा करने का प्रचलन है। और केले की महानता को देखते हुए ऋषि मुनियों ने बनाए थे नियम, जैसे कि हम पीपल की पूजा करते हैं तो उसके सबको पता है कि फुल ऑक्सीजन देता है, इसी तरह केले की पूजा करते हैं। जो भी हमारे नियम बने हुए हैं घरों में, त्यौहार तीज बनाए गए थे कि इस दिन हमें पीला भोजन करना है, इस दिन लाल भोजन करना है, इस दिन सफ़ेद भोजन करना है, इनके पीछे बहुत बड़ा एक हमारा क्या करते हैं कि एक आयुर्वेद काम करता है। जितने हमारे तीज त्यौहार व्रत वगैरह हैं जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सब एक हमारा आयुर्वेद का काम करते हैं, और जो पकवान वगैरह भी बनाए जाते हैं वो भी करते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए बृहस्पतिवार को आप केले का जैसे पूजा करा जाता है तो उसका यही कारण होगा कि इसमें हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, तो इसका संरक्षण हो। पूजा करने का मतलब है जिस चीज़ को मानते हैं उसे वह नष्ट नहीं कर सकते। और अभी मैंने भी एक मैगजीन में पढ़ा था कि जो अनुसंधान करता है वो मानते हैं कि 20 वर्षों में हो सकता है केला विलुप्त हो जाए,
क्योंकि ऐसी इसकी एक दो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है जो कि पहले बहुत ही थी, क्योंकि अभी और एक ऑस्ट्रेलिया है शायद, वहाँ पे एक इसकी रेड कलर की प्रजाति है जिसमें कि रेड कलर के केले होते हैं लाल कलर के, तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है, कोशिश करता हूँ उसे ढूंढते हैं कहाँ पे कैसा है। तो इस तरीके से आप लोग केले का संरक्षण करिएगा, इसके पेड़ लगाइएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर में लगाइए, जो पार्क है वहाँ पे लगा सकते हैं, मंदिरों में लगा सकते हैं, नदी नालों किनारे जंगलों में लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो मैं हर वीडियो में हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर आप पेड़ पौधों लगाइएगा, क्योंकि आने वाले हमारी पीढ़ियों को ये देना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उनको पता भी नहीं चलेगा क्या क्या चीज़ हम लोग करते थे और क्या हमारे पास था। तो इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए और आपने केले खाइए और स्वस्थ रहिए, प्रतिदिन एक या दो केला अवश्य खाइएगा। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी और साथ में इसे सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए आप कॉर्नर में बेल देख रहे होंगे तो उसे भी बजा सकते हैं, तो वहाँ से आपको जो मेरी नई वीडियो अपडेट होगी तो आपको मिलती रहेगी। और जैसा कि मैं बता चुका अपने चैनल के माध्यम से कि मेरी कोशिश यही रहती है कि हम खा पी के स्वस्थ रहें और हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, मेरा यही मेन मकसद है कि हम डॉक्टर के पास ना जाए, इसलिए इन छोटी छोटी बातों को आपको बताने के लिए आता हूँ। जबकि हो सकता है कि आप लोगों के पहले से ही पता हो, उसके लिए बहुत अच्छी बात, अगर जिनको नहीं पता उनको पता चल गई होगी, अब वो केला खाएँगे और अपने को स्वस्थ रखेंगे। इसी के साथ ही आप लोगों का नमस्कार, धन्यवाद, शुभ।